हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट योर लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली लोड कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लोड कॉम्बिनेशन को अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। और ऑटोमेटिकली लोड कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए सिंपली आपको लोड केस ऐड करना है, और यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है इंडियन, सो वी आर फॉलोइंग द इंडियन कोर्स एंड एज पर द इंडियन कोर्स अवर स्ट्रक्चर इज जनरल स्ट्रक्चर। अगर आपका स्टील स्ट्रक्चर है तो उसके लिए डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन है। हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है और हम सिंपली क्लिक कर देंगे जनरेट लोड्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के लोड कॉम्बिनेशन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर टोटल 27 लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 13 तो लोड कॉम्बिनेशन है ही, प्लस हमने जो डेड लोड और लाइव लोड और क्विक लोड में भी अप्लाई किया है मैन्युअली, सो उसका भी डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट करके आया हुआ है। सो टोटल देर आर 27 लोड कॉम्बिनेशन आर देर। अगर आप स्नो लोड भी यूज कर रहे हो, विन लोड भी यूज कर रहे हो, फिर सिस्मिक लोड भी यूज कर रहे हो, तो मे बी कि आपका ये जो लोड कॉम्बिनेशन है वो इससे भी ज़्यादा बन सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ लोड केसेस दैट यू हैव क्रिएटेड एंड एज पर योर इन कोड फॉलो इन योर कंट्री, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कॉम्बिनेशन आर देर। सो क्लिक ऑन एड एंड क्लिक ऑन क्लोज। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। अब ये लोड कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम एनालिसिस और डिज़ाइन भी कर सकते हैं।